ये था। नहीं, सर्च नहीं करना, मैं समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले वॉल्यूम आता है, तो अगर एल बी एच अगर है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो वॉल्यूम क्या होगा, एल बी और एच, फिर आता है कर्व सरफेस एरिया। इसे हिंदी में कहते हैं चार दीवारी का एरिया, चार दीवारी, फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स में छत और ज़मीन नहीं आती है। ठीक है, एरिया नहीं कर्व सरफेस एरिया में, केवल कर्व में, छत और ज़मीन नहीं आती है। और छत और ज़मीन एक समान होती है ना। और ज़मीन में क्या, बराबर। ज़मीन में क्या क्या यूज़ होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और हाइट तो ऊपर उसमें यूज़ होती है ना, कमरे में। तो लेंथ और ब्रेथ कर्व सरफेस एरिया में नहीं आता, तो इसका फॉर्मूला होता है टू एल प्लस बी बाहर एच। अब देखो उसको खोलोगे तो टू एल एच प्लस टू बी एच। ठीक इसका है, फॉर्मूला हाँ। अब मैंने क्या कहा, छत और क्या नहीं आता, जमीन, है जमीन बराबर होती है और बराबर। ज़मीन का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बस इसमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है टी एस ए, तो इसमें टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच एल। तो ये जो इतना पूरा था टू एल बी प्लस बी एच, ये तो उसमें ही था, केवल टू एल बी जुड़ गया, मतलब ऊपर का ये ज़मीन छत का एरिया और ज़मीन का एरिया। ठीक है, तो अगर कभी भी टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं लेंथ और ब्रेथ, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम में सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो सिलेंडर बता दिया, ये बता दिया, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, ये सेव हो रहा है पेज। ठीक है, हाँ, ये भी तुम्हें वीडियो भेज दूंगा पूरा जो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद आता है ये सिलेंडर हो गया, ये हो गया, अब क्यूब आता है। ठीक है, ये क्यूब है, मतलब इसमें सारी भुजाएं बराबर हो, मतलब ए हो। इसी तरह वॉल्यूम जो होता है ये बहुत इजी है, ए क्यूब कर्व सरफेस एरिया होता है होल स्क्वायर। रुकना, और टोटल सरफेस एरिया होता है सिक्स स्क्वायर। बराबर तो अब मैं कहूँ कि वॉल्यूम कितना है, रहता कर्व सरफेस एरिया है एक फोर स्क्वायर। एरिया में ए इंटू ए होता है ना, कभी भी एरिया किसी भी चीज़ का स्क्वायर होगा, और वो जो होता है वॉल्यूम किसी भी चीज़ का क्यूब होगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ, फोर एक बार क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, छः, छः होती है। तो चार दीवारी का एरिया कितना होगा, अगर सारी सरफेस बराबर है, तो अगर एक सरफेस ए स्क्वायर है तो चार, चार दीवारी मतलब चार सरफेस, फोर स्क्वायर, और टोटल में सब जुड़े जाते हैं छत और ज़मीन भी, तो सिक्स बराबर। रन में आ गया होगा। इसमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अगर क्यूब मैंने बोल दिया और वॉल्यूम अगर बोल दूँ, तो इसमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है 10 से 11 हो रहा है, तो एरिया 10 से 121 हो जाएगा, 100 से 121। और वॉल्यूम अगर 1000 से 1331 हो रहा है, तो साइड जो होगा 10 से 11 होगा। ठीक है, बस ठीक। और बाकी जो सब में यही होता है अप्लाई। कौन का क्या है, कौन का थोड़ा सा नाटक है, ये कौन है, रुको यार, जैसे बना तो कौन कौन होता है, प्लस टर्म प्लस टर्म। देखो ये कौन बन गया, ये जो, हाँ, ये जो है ये रेडियस है आर, ये हाइट है, और ये एल है, स्लांट हाइट कहते हैं इसे। तो वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया होता है, रट लेना है, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ में आई,
हाँ तो वही ठीक है, मतलब कर्व सरफेस एरिया में बस जो ऊपर एक गोला दिख रहा है, जो सर्कल दिख रहा है जैसे आइसक्रीम खाते हैं, तो पूरा जो अंदर का पार्ट है वो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और जो ऊपर जो सर्कल बना रहता है या जैसे आइसक्रीम पैक होकर जब आती है, हाँ अब ऐसे समझो आइसक्रीम जब पैक होकर आती है जो उसके ऊपर कवर लगा रहता है कॉर्नेटो पे, तो जो कवर है कवर का एरिया पूरे के एरिया में जोड़ दोगे तो टोटल सर्फेस एरिया आ गया, जो सर्कल एक गोला ऊपर उसके ऊपर रखा रहता है। और अगर नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता है। अगर कभी भी आर एच दिया है तो एल निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वही वाला आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, एल हाइपोटन्यूज है, एच हाइट है और आर रेडियस है, निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान देना है क्वेश्चन में सी एस ए दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया कि टी एस ए दिया है टोटल, और वॉल्यूम तो तुम्हें पता ही है, जाहिर सी बात है अगर वॉल्यूम तो कोई भी चीज़ नॉर्मल चीज़ दी आर और एच दिया हुआ है तो कट ही जाएगा। हाँ कर्व सरफेस एरिया में आर और एल जरूरी है, और टोटल सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है और बाकी बस फर्स्ट टर्म बताए तो आखिर बस बाकी जो है वो बाद में बताए फर्स्ट टर्म। तो बुक से देख के वही बता देंगे उसका तो क्या होता है, जब बता ही रहे हैं। अच्छा जरूर है इसको रहने, हाँ ठीक है आ गया, देखो ये देखो एक मिनट ये हो गया फोन का, तो स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है इसे सिलेंडर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसे 3 आर से, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ नहीं गया मतलब ना। मैं तो सिर्फ सेव करने का वो पूछ रही हूँ, सेव भी तो होता है यहाँ पे, 3 दिन गया फिर कभी देखती हूँ मैंने स्टार्ट रिकॉर्ड बट पता नहीं वही है हाँ तो मैंने मुझे रिकॉर्ड कर लिया, मैं भेज दूँगा तुम्हें।